नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार पत्रों के जरिए जनहित के लिए कई मांगे कर चुके हैं और इस बार भी सीएम गहलोत ने पत्र बाण चलाते हुए प्रधानमंत्री से एक बड़ी मांग कर डाली है और ये मांग ऐसी है जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। क्या है ये मांग, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से वैक्सीन को मुफ्त में लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से लोगों को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था, ऐसे में वे वैक्सीन का खर्चा उठा नहीं पाएंगे, इसलिए इसको सबके लिए फ्री कर देना चाहिए। सीएम गहलोत की माने तो सही समय पर जानकारी देने से आमजन के बीच टीके की कीमत और उपलब्धता के बारे में भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की घोषणा जरूरी है। इसके साथ ही गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्थान में सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में पुख्ता तैयारी करें। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूरगामी सोच अपनाते हुए सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन की मांग की है। इससे सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोगों को होगा। इसके साथ ही वो लोग भी कोरोना से अपना बचाव कर पाएंगे जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कोरोना वैक्सीन लगवाने में असमर्थ है।